ओपन रहेगा, जो जो परफॉर्म करना चाहता है वो प्लीज आते रहे और बताते रहे हमको कि किसको परफॉर्म करना है। सबका जोश कैसे? हाय सर। ठीक है, स्लैम लाउड, स्लैम लाउड। तो आज मैं आप सबको लेके जाने वाला हूँ कश्मीर में। तो ये कहानी है हमिद और अली की। तो हमिद एक बच्चा है जो 12th क्लास में पढ़ता है और अली जो है वो लगभग मेरी उम्र का ही। तो हमिद हर साल अपनी क्लास को टॉप करता था और इस साल भी 12वीं कक्षा में उसने अपनी क्लास को टॉप किया। अब स्कूल खत्म होने के बाद वो अपनी अम्मी के पास खुशी खुशी गया और उसने बोला कि अम्मी मैं दिल्ली जाकर एक बड़े कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ और एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। और अम्मी ने बोला कि बेटा हमारे पास पैसे नहीं हैं और अब्बू ने जो मेहनत करके पैसे जोड़े हैं वो हम तुम्हारी बहन की शादी में इस्तेमाल करेंगे। और हमिद बोलता है कि अम्मी ये तो मेरा ख्वाब है, मैं अपने ख्वाब को कैसे छोड़ सकता हूँ। अम्मी ने बोला बेटा थोड़े ख्वाबों को आधा अधूरा ही छोड़ना पड़ता है। और यही सारी बातें उसकी बड़ी बहन रुखसाना पर्दे के पीछे छुपके सुन रही थी। यही सब हमिद को परेशान करने लगा और हमिद गुस्से में घर छोड़ के चला गया, घर से बाहर चला गया। अब गुस्से में तो उसने कोई गर्म कपड़े रखे ही नहीं और बाहर जाके उसने थोड़ी देर बाद महसूस किया कि हवा बहुत ठंडी थी, बर्फ उसके घुटनों तक आ रही थी। उसे दिखा कि दूर जाके एक झोपड़ी थी, तो मुश्किल से उसने बर्फ में रास्ता बनाया और उस झोपड़ी तक पहुंचा। वहां पे उसने देखा कि एक लड़का जिसका नाम था अली वो काम कर रहा है। वो उसे देर तक देखता रहा और फिर जैसे ही अली की नजर हमिद पर पड़ी वो हमिद की तरफ भागा और बोला भाईजान बहुत बहुत ज्यादा ठंडे, अंदर आ जाइए, क्या आप एक कप चाय पियेंगे? हमिद ने सोचकर बोला एक कप चाय दे दूं। जब हमिद अंदर जाके अपनी कुर्सी पर बैठा वो टकटका लगाकर अली को देखने लगा। उसने सोचा कि ये इतना छोटा बच्चा है और यहाँ काम करता है। ऐसे ही करते करते उस देखते देखते उसे उसकी चाय आ गई। चाय पीते पीते उसकी नजर बगल वाले मेज पर पड़ी और उसने देखा कि वहां एक फटी पुरानी क्रिसमस की इंग्लिश कहानियों की किताब पड़ी थी। तो वो सोचने लगा कि यहाँ पर इंग्लिश की कहानियां कौन पढ़ता होगा। और ऐसे ही जब उसका घर जाने का समय हो गया था तो उसने अली से बोला आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, रात बहुत ज्यादा हो गई है। अली ने बोला कि नहीं भाईजान आप घर चले जाइए, मैं अपनी पूरे की पूरी दुकान का काम खत्म करके आऊंगा। अब हमें बोलता है कि कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। अब जब अली का काम खत्म हुआ तो दोनों मिलके अली के घर की तरफ चल पड़े। अब बीच में चलते चलते हमिद ने अली से बातें करनी शुरू कर दी। उसने पूछा कि तुम यहाँ क्यों काम करते हो? तो अली ने बताया कि उसके अब्बू एक दर्जी थे और जब वो नहीं रहे उसकी अम्मी ने उसका काम संभाल लिया, तो उन्हीं पैसों से उसकी छोटी बहन और उसका ख्याल रखती है। और उसने बताया कि अम्मी की थोड़ी मदद करने के लिए मैं इस दुकान पर काम करता हूँ। अब चलते चलते हमिद ने देखा कि अली बड़ा थक गया था और उसे नींद आ रही थी। हमिद ने उसे अपनी गोदी में उठाया और चल पड़ा। अब चलते चलते जब वो अली के घर के पास पहुंचा तो अली के मन पसंद खाने की खुशबू आ रही थी। अब वो खुशबू सूंघते ही अली उठ गया। तभी कहते हैं कि माँ के हाथ का खाना तो माँ के हाथ का खाना ही होता है। अब जब अली उठा तो उसने बहुत शुक्रिया किया हमिद को। अब हमिद अलविदा कह के अपने घर की तरफ चल पड़ा।
घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी बहन रुखसाना उसका इंतजार कर रही है। अब रुखसाना ने उससे बोला कि मैंने तुम्हारी और अम्मी जान की सारी बातें सुनी, अब अगर तुम्हें दिल्ली जाके पढ़ाई करनी है तो मैं कल रात अब्बू की अलमारी से वो पैसे निकाल कर तुम्हें दे दूंगी और तुम जा सकते हो। तुम आज रात ये सब सोच के मुझे कल बता देना। अब हामिद अपने कमरे में गया, बिस्तर पे बैठा और सोचने लगा, जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं। ऐसे सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह तक उसने वो सोच लिया था और वो सीधा घर से बाहर भागा और एक दुकान पर गया। वहां पर उसने एक स्टोरीज की किताब खरीदी और इसे चमकीले कपड़े में लपेट दिया। अब वो उस दुकान पे चल पड़ा जहाँ वो अली से मिला था। अब वहां पहुंचते ही उसने देखा कि अली बर्तन मांज रहा है और उसकी पीठ हामिद की तरफ है। तो हामिद चुपचाप वहां गया और उसने उस किताब को अली के पीछे रख दिया। जाके वो दीवार के पीछे छुपा और जैसे ही अली घूमा उसने देखा कि इतना अच्छा तोहफा रखा है वहां पे। उसने दाएं देखा, बाएं देखा, पीछे देखा, कोई नहीं था। उसने सोचा कि सांता क्लॉस ने आके उसे गिफ्ट दे दिया है। और तभी हामिद दीवार से बाहर निकल गया, लाइक हट गया। और तभी अली ने वो तोहफा उठाया और हामिद की तरफ भागा और बोला, भैया देखो, भाईजान देखो, मेरे को सांता क्लॉस ने तोहफा दिया। और उसने वही वो खोला तोहफा और देखा कि एक रंग बिरंगी स्टोरीज की किताब रखी थी। तभी उसने वो हामिद से बोला कि भाईजान आप मुझे एक किताब पढ़ के सुनाओ ना, मुझे पढ़ना नहीं आता। हामिद ने बोला, नहीं मैं तुम्हें पढ़ना नहीं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ना सिखाऊंगा। वो उसी वक्त वापस घर गया और उसकी बहन रुखसाना उसका इंतजार कर रही थी। उसने पूछा कि तुमने सोच लिया? हामिद बोलता है, हाँ मैं यही रहूंगा, अब्बू की मदद करूंगा और जो आसपास के गांव में हमारे बच्चे रहते हैं उनको पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। और उसी वक्त रुखसाना ने बोला, क्या तुम्हें दिल्ली नहीं जाना? हामिद बोलता है, नहीं। धन्यवाद। डियर फ्रेंड्स, प्लीज क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट